हेलो साथियों, मैं हूं योगेश कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत साथियों आपके अपने यूट्यूब चैनल लोड सेवा क्लासेज पर। आज हम आपके लिए कंप्यूटर की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जो आपके सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसमें से आपको ज़रूर मिलेगा साथियों, आपको क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा। आइए शुरू करते हैं, पर इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दें। कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना है जिसका अर्थ होता है गणना करना। हिंदी में इसे संगणक कहते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, एक संगणक। कंप्यूटर के जनक, संस्थापक और पितामह कौन है? कंप्यूटर के जनक और संस्थापक पितामह चार्ल्स बैबेज, 19वीं शताब्दी में जो एक अंग्रेज थे, इन्होंने कंप्यूटर की स्थापना की थी। प्रथम प्रोग्राम सेट करने वाली लेडी लवलेस, ये कौन थी? एक इटालियन, जिसने इटालियन लैंग्वेज से अंग्रेजी में रूपांतरण किया। ये फर्स्ट कंप्यूटर प्रथम प्रोग्रामर थी। कंप्यूटर को संज्ञा दी गई है, कैसी संज्ञा दी गई है? कृत्रिम बुद्धि, अर्थात कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? कृत्रिम बुद्धि। आधुनिक कंप्यूटर के जनक पितामह संस्थापक कौन है? एलन ट्यूरिंग। आधुनिक कंप्यूटर के जनक एलन ट्यूरिंग। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। साथियों, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर, उसका क्या नाम है? परम। जो परम को किसने बनाया है? सी डैश ने 1991 में बनाया था। किस कंपनी ने बनाया था? सी डैक ने 1991 में परम को बनाया था। अब भारत के पास कुल सुपर कंप्यूटर कितने हैं? आठ। उनकी संख्या कितनी है? आठ। देखते हैं, फर्स्ट एका 2007 में, द्वितीय अनुपम मध्या 2010-11 में, तीसरा सागा 220 2011 में, चौथा परम युवा सेकिन जो 2013 में बना, पांचवा आदित्य 2013 में, छठा परम ईशान 2016 में और सातवा परम कंचनजंगा 2016 में और आठवा प्रत्युष 2017 में। ये कुल आठ सुपर कंप्यूटर थे। अब सुपर कंप्यूटर की क्या क्वालिटीज होती हैं और क्या विशेषताएं होती हैं साथियों? ये सर्वाधिक गति, संग्रहण अक्षमता एवं उच्च विस्तार वाले होते हैं। नेक्स्ट, इनका आकार एक सामान्य कमरे के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतरिक्ष यात्रा के लिए इनका प्रयोग होता है और एक साथ सारे प्रयोक्ताओं के डाटा को प्रोसेस करने में भी इनका प्रयोग होता है। साथियों, ये इतने महत्वपूर्ण पॉइंट हैं कि आपके आने वाली ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा में, मल्टीपल चॉइस में, इनमें से कमेंट्स पूछ लिया जाता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्या नाम है? विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का सी डी सी 6600 था, जो कब बना था? 1964 में, परंतु बाद में क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा वर्ष 1976 में इसको बनाया गया पुनः, और उसका क्या नाम दे दिया गया? क्राई वन बनाया गया था 1976 में। अब विश्व के जो श्रेष्ठ कंप्यूटर हैं, सुपर कंप्यूटर, उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। IBM समिट 2018 में अमेरिका में है। नेक्स्ट है, सनवे ताई हुलाइट 2016 में चीन में बनाया है। नंबर तीन है, तिहाने दित्य 2013 में ये भी चीन ने बनाया है। नंबर चार है, टाइटन 2012 में अमेरिका में बनाया गया। पांचवा है, सिकोवा 2014 में जो बनाया गया, ये भी अमेरिका में बनाया गया। और छठा है, के कंप्यूटर, ये जापान में बनाया गया 2011 में। और सातवां कंप्यूटर है मीरा 2010, जो अमेरिका में बनाया गया। साथियों, इनमें से मीरा
और आपका टाइटन, ये एग्ज़ाम में कितनी बार पूछे जा चुके हैं, इनको ध्यान से पेन कर लेना, लिख लेना। नेक्स्ट, पैक मैन कंप्यूटर, ये कंप्यूटर है पैक मैन कंप्यूटर, ये किस काम आता है, खेल के लिए इसका निर्माण किया गया था। कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, सीपीयू, सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है, माइंड होता है। कंप्यूटर के माउस का जनक या पितामह या निर्माता संस्थापक कौन है, डगलस एंजल वर्ट, किसको कहा जाता है, डगलस एंजल वर्ट को। WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के जनक, संस्थापक और प्रवर्तक, आविष्कारक और निर्माता कौन है, टिम बर्न्स ली, कब बना था इसको, 13 मार्च 1989 को। नेक्स्ट है फेसबुक के संस्थापक, निर्माता, पितामह और आविष्कारक कौन है, मार्क जुकेरबर्ग, जो अमेरिका के निवासी हैं। अब जुकेरबर्ग ने अपने सहपाठियों की सहायता से, कौन कौन से सहपाठी थे, डस्टिन मोस्को विच ए सबेरिन और क्रिम हुएंग्स के साथ मिलकर इसका निर्माण किया था। व्हाट्सएप के संस्थापक, जनक, निर्माता, पितामह और आविष्कारक कौन है, जॉन कॉम, 2009 में व्हाट्सएप को बनाया गया था। अब उन्होंने कैसे बनाया, जॉन कॉम व ब्रायन एक्टर ने स्मार्टफोन के लिए इंस्टेंट मैसेजिंग, जिसको व्हाट्सएप कहा जाता है, सर्विस शुरू की और बाद में से जो है व्हाट्सएप कहा जाता है या कहा गया। नेक्स्ट, EDP, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग ये इसकी फुल फॉर्म है, एग्जाम में आया हुआ है। गीगो, गीगो शब्द किससे संबंध है, एक्यूरेसी से, किससे संबंध है साथियों, एक्यूरेसी से। एप्पल कंपनी के आविष्कारक, जनक, प्रवर्तक और संस्थापक कौन है, स्टीव जॉब्स, कि कब बना था इसको, 1976 में। रेक्स, यह विश्व का प्रथम पूर्ण बायोनिक मानव है, अर्थात रोबोट मानव है। नेक्स्ट, किरोबी, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम बोलने वाला रोबोट है, किरोबी अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम बोलने वाला रोबोट है, कब बना था इसको, 4 अगस्त 2013 को अंतरिक्ष में भेजा गया था, किसने भेजा था, जापान ने इसको भेजा था, जापान प्रथम देश बन गया, कौन सा देश बन गया, रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने वाला जापान प्रथम देश बन गया। इसको जापानी कंपनी डैंस इंक ने एरोस्पेस एक्सल फ्लोरेशन एजेंसी के साथ मिलकर बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट, स्नैक रोबोट को DRDO ने बनाया। अब इसका क्या काम है स्नैक रोबोट का, इसका कार्य दुर्घटना में फंसे लोगों की सहायता करना है, मदद करना है, अभियान में मदद करना आदि इसका ये काम है। नेक्स्ट, फीमे सेपियन रोबोट, यह एक बुद्धिमान एवं परस्पर संवाद करने वाला, नाचने वाला या डांस कर सकता है, इसको भी जापान ने ही बनाया है। नेक्स्ट, सोफिया रोबोट, यह अपने चेहरे के हाव भाव बदल सकती है और लोगों से बातचीत भी कर सकती है, अब कब बनाया गया इसको, 27 अक्टूबर 2017 को सऊदी अरब ने इस रोबोट को अपने यहाँ नागरिकता प्रदान की है, इस रोबोट को अपने यहाँ नागरिकता प्रदान की है। ऐसा करने वाला सऊदी अरब विश्व या दुनिया का प्रथम देश बन गया है, अर्थात सऊदी अरब ने सोफिया रोबोट को अपने यहाँ नागरिकता प्रदान की है और ऐसा करने वाला वह विश्व यानी दुनिया का सर्वप्रथम देश बन गया है। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मैंने इसको बड़ी मेहनत से तैयार किया है और सभी परीक्षाओं में लगभग लगभग इससे ही पॉइंट प्रश्न पुटअप किए जाते हैं। साथियों, अगली वीडियो के साथ
मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, सी यू।